अभी तक की सबसे बड़ी चपेट जो है ना वो हमें अभी पड़ी है। ओ जेडी, ओ जेडी। अस्सलाम वालेकुम भजन, खाना खिलाएंगे? खिलाएंगे सर, लेकिन एक मसला है छोटा सा। बोलो। हमारे पास पैसे नहीं है। तू मेरा बैग ले, मैंने तरीका इतना सामान रखा जो भी है। क्यों? ठीक है ना, क्यों क्यों लेके आए? 70 किलो की चीजें क्यों लेके आए? ये देखना, ये इधर तीन चार रेस्टोरेंट्स हैं लाइन में, ये सामने इनका जो है वो बस स्टैंड है, यहाँ भी होटल है और इस तरफ भी वो बता रहे हैं कोई होटल है, तो उनसे अब बात करनी पड़ेगी कोई ना कोई। हाँ भाई, इसमें कोशिश करें या कोई और। ये सामने भी दो हैं, वो आगे भी एक है। चल आप हैं यहाँ होटल में? अच्छा अच्छा कमरा मिलेगा, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप रखने, अगर आप रुकने दे सकते हैं रात रुकनी है। एक रात के लिए भजन हमें कोई किसी तरह से भी स्टे दे दें, कोई भी कमरा, कोई भी बिस्तरा, कुछ भी अगर हो सकता है। नहीं हो सकता? बड़ी जगह पे हमें ना हुई है, जहाँ ना होती है हम वहाँ से आगे चले जाते हैं। अरे हमें आदत हो गई है, आप ना कर देंगे हम चले जाएंगे, आप हाँ कर देंगे हम रुक जाएंगे। बहुत शुक्रिया भजन आपका। चले, शुक्रिया जी। बैठे आप लोग अगर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर दे देता हूँ। आप इजी है भजन, तो कोई मसला नहीं, हम आगे चले जाते हैं। दे देगा, दे देंगे। नहीं है तो दे दूंगा, अगर पैसे नहीं है तो दे दूंगा। सच में नहीं है, ये मजाक नहीं, नहीं कर रहे। आपको सारी बात बता दी, अगर आप बिजी नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम आगे चले जाते हैं। शबीर भाई ने हमें रूम दे दिया है रात रुकने के लिए, और सबसे बड़ी टेंशन इस टाइम ये थी कि रात कैसे रुकनी है। उन्होंने कहा आप रूम ले लो और यहाँ पे स्टे कर लो। हम सिर्फ सुबह इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टाइम ही हम गुजरा के लिए निकल जाएंगे। इधर ऊपर है रूम भाई, चल। क्या बात है, मौसम चेक कर तू बस, सुभान अल्लाह। ओहो, ये तो पूरी लकड़ियों की कोई फैक्ट्री है यार पीछे। ऊपर ये है जी रूम, बेहतरीन यार, शुक्र अल्लाह का, रात गुजर जाएगी अच्छी। जो आज अब 10 रुपए मिल गए। ये दौलत जो है ना, नहीं नहीं उठाने, हमने क्यों उठाने। और कमरे की हालत आपके सामने, किसी की सिगरेट का ऐश अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओ सफाई, क्या बात है, ये भाईजान बहुत अच्छा काम किया आपने। चल सफाई हो लेने दे। लो जी, हमारे कमरे की जो है ना वो सफाई हो चुकी है, और हमारे रूम के बाहर सामने जो रूम है और उसके साथ जो रूम है उसमें चाइनीज रुकी हुई है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये चाइनीज किधर किधर पहुंचे हुए हैं। और जेडी ओए, सर्वाइवल चैलेंज तो अभी शुरू हुआ है, इससे पीछे क्या था? अच्छा भाई, पिछली वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि आप अपने किसी, मतलब यहाँ पे किसी भी शहर या रास्ते में स्टोरी क्यों नहीं लगाते कि कोई आपको ले जाए, आप किसी की तरफ रुको। मैंने पहली वीडियो में कहा था सोशल मीडिया पावर्स का कोई इस्तेमाल नहीं, ये बहुत हैवी शक्तियां जिनका इस्तेमाल अगर मैंने वो किया तो फिर आप में से कोई भी या कोई लेमैन जिसे कह सकते हैं वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। वो तो ऐसे नहीं कर सकता कि किसी जगह खड़ा होकर स्टोरी लगाए और उसे कोई ले जाए। मुझे हम जब गुजरात टोल प्लाजा पे खड़े थे, वहाँ पे मानसेरा में जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ इतने मतलब लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खाली है, आप हमारे साथ आ जाओ। हमें जब गुजरात टोल प्लाजा पे खड़े थे वहाँ से हमें नरान की लिफ्ट मिल रही थी, एक सब्सक्राइबर रुके थे,
बट उनके साथ मैं जाता तो वो फिर इस ट्रिप का या इस चैलेंज का मकसद ही खत्म हो जाता। मैं अभी यहाँ पे स्टोरी लगाऊँ, मुझे मर्दा यहाँ पे गिलगित में अपने घर में स्टे करने के लिए इतने सारे मैसेजेस आ जाएंगे, लेकिन बात फिर वही है कि फिर चैलेंज कहाँ का, क्यों भाई जेडी? तो चैलेंज असल है ही ये कि इन चीज़ों को यूज़ किए बगैर हमने ये सब कुछ इसमें सर्वाइव करना है, जो कि हम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत बहुत मुश्किल है। ये शायद आपको वीडियोस में आइडिया हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन अगर कभी आप में से किसी ने ये करके देखा ज़िंदगी में तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुश्किल ट्रिप है जो हम लोग इस टाइम कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब मैं और जेडी बुढ़े हो जाएँ और तब हम सोचें कि ये तो हो गया बुढ़ा, चलो मैं जब हो जाऊँ तब हम सोचें कि यार क्या किया था हमने, तो हमें शायद तब खुद भी यकीन ना आए कि हमने क्या ट्रिप किया था। पता क्या हमारा होता क्या है, हम जाके कहते हैं जी इस्लामिक भजन लिफ्ट दे देंगे, यार हमारे पास पैसा नहीं है, वो आगे से पता क्या करता है ऐसे देखता है। हाँ वो ना ऊपर से नीचे तक देखते, अक्सर देखते भी नहीं है और रेस दे देते हैं कि निकल जाते हैं, और अक्सर वैसे ही लिफ्ट नहीं देना चाह रहे होते, तो उस टाइम एक शर्मिंदगी वो सब कुछ बहुत फील होता है। एक एक लिफ्ट के पीछे ना कम से कम 15-20 रिजेक्शंस होती हैं, उसके बाद जब लिफ्ट मिलती है ना तो चेहरे पे इत्मीनान खुशी उतनी हम गाते रहते हैं, कोई तो लिफ्ट करा। मतलब वो आप सच में आप सोचो कि आपको जब कोई, अभी तक खाने से हमें किसी ने मना नहीं किया, खाने से अभी तक हमें एक भी रिजेक्शन नहीं मिली, लिफ्ट से हमें कोई अभी तक 300 रिजेक्शंस मिल चुकी हैं पिछले 3 दिन में, और वो जो शर्मिंदगी होती है ओए ओए। चल भाई जेडी अब खाने का कोई जुगाड़ लगाएं चलें। हाँ जी मिशन फूड इस तरफ को चलें, यहाँ से बाजार शुरू हो रहा है ना। हाँ इससे पीछे कुछ नहीं है खास, हाँ इधर मुझे ना कोई चपली कबाब वाला नजर आया था अभी यार, मुझे बारबेक्यू वाला नजर आया। बारबेक्यू तो अच्छी तरह तुझे कोई खिलाएगा। चल उधर धुएं निकल रहे हैं, उधर चलते हैं। ओए फ्राइज चेक कर, रेड फ्राइज, साथ पकोड़े समोसे, आगे चल। ये क्या तवे पे क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या बन रहा है भाईजान? कलेजी कलेजी कबाब है, कलेजी और कबाब। आगे क्या है? दिल कर रहा है भाईजान। आपके पास क्या क्या है? टिक्के, बीफ है, पोटा है, बीफ और पोटा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खाना खिलाएंगे? लेकिन एक मसला है छोटा सा, हमारे पास पैसे नहीं है। खिला देंगे, आसान है आपके लिए। हम असल में सफर पे निकले हुए हैं और पैसे नहीं है हमारे पास। बैठो सर, कुछ भी आपका जो दिल करे आप दे दो, जो आपका दिल करेगा वो खा लेंगे भाई। नान आ गए हमारे पास भाई जान, बहुत शुक्रिया। क्या मोहब्बत है भाई की यार, एक चपली कबाब आया है और साथ में उन्होंने हमें दिया जी तवा कलेजी, चपली कबाब और नान। देखो अभी मैंने आपको कहा था कि हमें खाने से अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं हुई, तो यहाँ भी भाई ने हमें खाना खिला दिया, नसीब का खाना, और साथ में रायता भी आ गया। चपली कबाब, कलेजी, नान, रायता, और चपली कबाब तवे पे बनता हुआ ऐसा लग रहा था कि मेरा उसी टाइम दिल किया ये मिल जाए किसी तरह, और देख लो मिल गया। ओए होए, टमाटर कलेजी, और तू जो मुंह शिप शिप कर रहा ना खा ले यार, तुझे पता है कलेजी मेरी हमेशा ही फेवरेट है यार। इतनी मजेदार कलेजी कि तेरी सोच है, उसमें पूरा वो टमाटर की चटनी और साथ कलेजी, मैं तो कहता हूँ मसाले ही खा रहे हो सिर्फ, मजा आ गया। अखीर गिरकी तो वालो लेवल दी कलेजी, तुसी कलेजी मिस करोगे आ जाओ। और साथ है जी हमारे पास चपली कबाब, ये चपली कबाब लगा के साथ इनका रायता लगा के, ओए यार क्या टेस्ट है वैसे बंदे के हाथ में, वो मानसेरा वाला सेम वही भाई मानसेरा सेम, क्या बेहतरीन कलेजी और क्या बेहतरीन चपली कबाब। ये मेन रोड है बिल्कुल अड्डे के पास, गिलगित के लोग समझ गए होंगे, मैं नाम भी निकल के बताता हूँ, मस्ट ट्राई अगर गिलगित से, इतना मजे का खाना है। ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया खाने का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये जिस तरह से ये ज़हीर भाई थे जिन्होंने हमें खाना खिलाया, इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास सरप्राइज़ है कुछ, और वो मैं इस सीरीज़ की जब हम चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, इस सीरीज़ की जो आखिरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास इनके लिए क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना पूरा कर रहे होते हैं और उन्होंने हमें खाना खिलाया।
तो वो मैं आखिरी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या करूंगा। खाना चना खा के हम लोग आ चुके हैं वापस अपने रूम में और अभी हम बनाएंगे अपने मेट्रेस की सेटिंग। गद्दे नीचे डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग अपनी बेडशीट साथ लेके आए हैं और हमारी जो बलोची चादरें, ये बलोची चादरें मुझे क्वेटा में गिफ्ट की थी फरतुल्ला ने, एक ये है एक मेरे पास और है, ये हम लोग ऊपर लेने के लिए साथ लेके आए हैं। नहीं, एक सिंगल और एक डबल है। ये सिंगल है? हाँ, डबल है। ये सिंगल है? दोनों दो दो दोनों सिंगल है मेरे ख्याल से। बिच भी जा भैया, क्या करता है? और डबल है मामू, सिंगल है? और डबल है, डबल है, डबल। चल और यार ऐसे सीधी है बेवकूफ, बेगम के साथ कभी काम कराए हो तो पता हो तुझे, पेन जाती बस। ठीक है, ले जी, मैट्रेस वगैरह हमारा सेट हो चुका है, जेडी स्लीप कर चुका है, मैं अभी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आज जो है ना वो सही सोने का मौका मिलेगा क्योंकि अभी 9 बजे में और मैं भी ये डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करके सो जाऊँगा। सही तसल्ली बख्श आज सोने को मौका मिलेगा, इतने दिन बाद बत्ती ना, मतलब आँखें खुली हैं, दिमाग सो रहा है, अजीब सी कैफियत है। गुड मॉर्निंग जेडी बॉय। तू जैसे सो रहा था ना, नशा किया था तूने, मुझे लगता है। यार कितने दिन बाद आपको नहीं बेड नसीब हुआ है सोने के लिए, बता। 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद बेड पे सोए आप। ओए मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। कैसे सो रहे थे ना? चल चल रेडी हो, चल चल। अभी हमें करना है अपना सारा बिस्तर बोरिया बंद, अपनी बेडशीट, अपनी चादरें सारी पैक करके बैग्स में डालनी है, इनके मैट्रेस वापस डालने या वो खुद डाल लेंगे? चलो वो खुद डाल लेंगे, बाकी हमें अपनी सारी चीजें उठा के भी निकलना है। यार ये ऐसी ना ले चले, कैसे हाथ में पड़े? ये देख आगे हमें सर्दी मिल रही है पूरी, ऊपर ही रखते हैं मेरे ख्याल। इस तरह लगेंगे भी लाचार मजबूर, बैग नहीं होने ना। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आज जी day 4 हमारे सर्वाइवल चैलेंज सीरीज का, इस सीरीज को सेकंड नाम हमने बेघर भी दिया, मलंग भी दे सकते हो क्योंकि हम बहुत मलंग हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है कहाँ से क्या खाना है, कौन हमें आगे लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा। ये वो 5,000 का नोट है, मैं आपको हर जगह इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सेम यहाँ है सीरियल नंबर, सेम सीरियल नंबर है जो हम लाहौर से लेके निकले थे और मैंने आपको बताया था ऑनेस्टली इसके अलावा 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है। तो ये 5,000 का नोट अभी तक हमारे पास बचा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, और हमारा कोई 80% ट्रिप हो चुका है। आगे आज हम इस टाइम गिलगित में, कल हम पहुंचे थे जी कहाँ से, बिशाम से निकले थे, बिशाम से निकले थे और गिलगित पहुंचे थे काफी लिफ्टें लेने के बाद। आज का चैलेंज है कि हमने फिलहाल सबसे पहले यहाँ से कोई नाश्ता करना है और उसके बाद गिलगित करना नहीं है, मांगना है। और मेरे साथ मेरा नौजवान मलंगी। मलंगी कैसे जा रहा है ट्रिप? जलालती व्लॉग। ओए होए, मतलब हमें ये हम सीख चुके हैं कि मलंग होके दुनिया में कैसे रहा जा सकता है सर, सर्वाइव किया जा सकता है। ये लाइफ एक इंटायरली डिफरेंट लाइफ है जो हम पिछले 4 दिन से गुजार रहे हैं। अभी आज का चैलेंज है, हमने गिलगित से कोई ना कोई लिफ्ट पकड़नी है और हुंजा तक पहुंचने का हमारा चैलेंज है। इसमें हम 10 लिफ्टें लेके पहुंचते हैं या एक लिफ्ट पे कोई छक्का लग जाता है, देखते हैं। यार आजा पहले अपना नाश्ता मांगे किसी से। ये है जी खूबसूरत गिलगित और साइडों पे बादल हैं, रात तूफानी बारिश हुई है, मतलब हम रूम में थे तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि जिस तरह पता नहीं तूफान आ गया कोई बहुत बड़ा, वो उस तरफ बादल हैं बट इस तरफ अभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है बट टेम्परेचर ठीक है। मैंने राणा हमजा साहब की एक टोपी रात उड़ा दी है और अब ये मुझे बगैर टोपी के इस तरह से लिए फिर रहा है, ये ज्यादती है कि नहीं है? मेरी जेब में पैसे भी नहीं है तो मैं टोपी ले लेता। तो बताओ यार कि ये देखो ऐसा माल जुड़े में सुधी पे उठी है। चला किसी से टोपी मांगती तेरे लिए, चल के आ जा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक? आपने ये जो हमें रात ठहराई है ना, ये बहुत बड़ा एहसान किया आपने, वरना हम इस तरह से किया कि 3 दिन से हम कहीं पे सोए नहीं थे, 3 दिन से बसों में सो रहे थे, कहीं पे बैठ के सो रहे थे, आज बेड मिला हमें 3 दिन बाद। हम रात 8 बजे के समय में अब उठे हैं सुबह। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपका जजा दे, आपने काम में बरकत डाले। चल भाई मलंगी नाश्ता ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं आप?
भैया नाश्ता करा दें यार, हमारे पास पैसे नहीं है। सच्ची में पैसे नहीं है? नहीं नहीं चाहिए, नहीं पैसे नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता हमारे पास आ चुका है, इसमें पराठा है, साथ में हमें चने मिले हैं, साथ में एक फ्राई अंडा मिला है, और ये आ गई हमारी चाय। शुक्रिया भाई जान, बहुत शुक्रिया। अभी वो मार्केट दूर रह गई है, हम लोग वॉक करते करते आ चुके हैं। सामने हमें नज़र आ रहा है बाबे गिलगित, वहाँ से निकलेंगे, कोई छोटी मोटी हम लिफ्ट पकड़ेंगे। यहाँ से कोई 10-15 मिनट आगे वो चौक है जहाँ से एक रोड लेफ्ट मुड़ती है हुंजा के लिए। अभी हो सकता है हम वॉक करते करते वहाँ तक पहुँच जाएँ, अदरवाइज कोई लिफ्ट पकड़ेंगे कि हमें वो कोई हुंजा वाली रोड पे कोई छोड़ दे ताकि फिर हम अगली अपनी लिफ्ट पकड़ सकें। अस्सलाम वालेकुम भैया, वो गिलगित वाली रोड तक छोड़ दोगे? हुंजा वाली रोड, सॉरी मुझे हुंजा की तरफ जा रही है, हम पीछे खड़े रहते, बस हुंजा वाली रोड तक छोड़ दो। हुंजा वाली जो रोड है उस पर छोड़ दो हमें आप। पहली लिफ्ट मिल गई, पर कैसे चढ़ना है? आ जा, ये देख कदम रखो ऊपर, आ जा आ जा ओए आ जा आ जा आ जा। वो नहीं, उसने घूमो किया ना, मैं डर गया। ओए खड़े कैसे बने इधर भाई को लग रहा है दो बच्चे खड़े कर लिए पीछे। लो जी ये आ गया चौक, ये गई हुंजा की तरफ, ये वापस, और ये गिलगित की तरफ। ओके भाईजान शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जाना तो हमने हुंजा था कि आप अगर कहीं तक भी हमें छोड़ सकते हैं तो डिग्गी में भी भरा हुआ है। अरे यार हम बैग उधर कोने में रख देंगे। अच्छा भरा हुआ, चलें ओके जी, कोई नहीं मिल जाएगा ऐसा कोई। भाई के पास करोला थी, और करोला कौन सा मॉडल है, 15-16-14 मॉडल की नहीं, पुरानी शेप है, और वो हुंजा ही जा रहे थे। वो कहते मैं आपको फ्री ले जाता लेकिन मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है, आपके बैग नहीं पूरे हैं। यूं ही चला चला चल, यूं ही चला चला चल। भाई कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ पे? जनेवर चौक। कितना दूर है यहाँ से जाने? 10 मिनट नहीं, रहने दो, शुक्रिया, हम हुंजा जा रहे हैं। पूछ 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 हुंजा जाना था, कहीं पे भी आप अगर हमें ड्रॉप कर दो। आ जाओ, किधर? वो आगे चौक। कहाँ तक छोड़ेंगे ये? चौक। कितना दूर है? हम लाहौर से आ रहे हैं। लाहौर से? ठीक है जी। सर आपका नाम? शहबाज भाई। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, थैंक यू। प्लेन जी शहबाज भाई ने हमें ला के छोड़ दिया इस रोड पे जो कि सीधी जा रही है हुंजा। उनका घर था पीछे, काफी पीछे एक टाउन आया था वहाँ पे, वो हमें तकरीबन को 15-20 किलोमीटर छोड़ के आ गया था, को 20-25 किलोमीटर का वो हमें छोड़ गए कि मैं आपको वहाँ छोड़ के आता हूँ जहाँ पे आपको इजीली हुंजा जाते हुए कोई गाड़ी मिल जाएगी। वो कितना अच्छा बंदा था यार, अपने घर से इतनों आगे आगे हमें छोड़ के गए। यार लोग हर तरह के हैं ना, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के। मैं कह रहा हूँ ये वाली जिंदगी हमें हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी, जो हमें जिस तरह लोग मिल रहे हैं, जो स्टोरीज मिल रही हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस नज़र से दुनिया देखने को मिल रही है, बहुत अलग है ये। हम अपना बोरिया बिस्तर डाल के रोड पे बैठे हुए और एक भाई मिले। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है? अली शान। अली शान? अली शान कहाँ से हो? सुल्तानाबाद। हुसैनाबाद? सुल्तानाबाद। अच्छा ये जगह का नाम सुल्तानाबाद है। सुल्तानाबाद से और वीडियोस देखते हो? कैसी लगती हैं? अच्छा थैंक यू यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ तक जा रहे हैं आप? हुंजा ले जाएंगे हमें? देख लूँ मैं एक दफ़ा। नहीं ब्रो, नहीं शुक्रिया, जगह नहीं है। वो देखना दो गेट पड़े और हुंजा जा रहे थे वो, पॉसिबिलिटी नहीं है उस पर, खड़े भी नहीं हो सकते, बैठना से दूर की बात है। प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम किसी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं कि कोई हुंजा तक ले जाए।
अब यहाँ से वैन जाते हैं भैया। वैन नहीं, वैन पे नहीं जाना, हमने लिफ्ट लेके जाना है। ठीक है। ओ जड़ी, ओ जड़ी। यार क्या है यार। यार अभी तक ना ये पता लग गया दूर से आते हुए ना, ठीक है ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। हाँ, और कौन सी लोकल है कौन सी नहीं है। अभी तक हमें इतना अंदाजा हो चुका है, दूर से देख के हमें पता लग जाता है कि इसको हमें हाथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। और अभी आके हमारे 80% तुक्के जो है वो ठीक होने लग गए। यानी ये हमजा का मतलब ये है कि अब हम प्रोफेशनल लिफ्टर बन गए। वो वाले लिफ्टर नहीं, लिफ्टर मेरा मतलब है लिफ्टर, वो वाले लिफ्टर नहीं, लेकिन ये वाले लिफ्टर। यहाँ पे बैठे बैठे इतनी देर में मैंने ये गिन लिया कि ये 86 कैट आइज लगी हुई है। कैसा फिर 86 कैट आइज हो रहे थे, मैं क्यों नसी की करी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग, आपका? अदनान करीम। इधर सुल्तानाबाद से ही हो? जी जी सर। यार सुल्तानाबाद के पहले भी सब्सक्राइबर्स मिले, यहाँ पे देखते हैं लोग मुझे। जी जी सर, देखते हैं। अच्छा, कितने लोग सुल्तानाबाद में जानते होंगे? तकरीबन 100 से 50%। ना करो, मतलब यहाँ पे मीटअप हो सकता है? क्या बात है यार, इधर से मुश्किल है। सब यही कहते हैं यार, फिर भी मिल जाती है हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कहाँ तक जा रहे हैं? इधर ही नहीं, हमें उनजा जाना था। हाँ यस, चले शुक्रिया। लो जी, हमारे बॉयज ने जो है वो काम बनवा दिया है। कौन सी गाड़ी रोकी है आपके लिए? हमने फिल्डर रोकी है। फिल्डर बगैर पैसों के? बगैर 1 रुपए के भी? चलो थैंक यू, आ जाओ यार। ये हमसे मिलके गए थे तकरीबन अब से आधा घंटा पहले, हमें यहाँ पे बैठे हुए 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी ये वापस आए हैं। ये कहते हैं ये मेरे ख्याल वही गाड़ी है जिसमें 2 बंदे बैठे हैं आगे। बिल्कुल, देखा मैंने तुझे अभी कहा था कि इनके साथ हम जा सकते थे, हुंजा प्लेट की गाड़ी है ये, साथ ही आगे कि हमने उनको रोक लिया। हुंजा से भी आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? रखें बैग, एक मिलेगी। हम लोग हुंजा जा रहे हैं, जाके डिसाइड करेंगे करीमाबाद में कहाँ रहना है। यस, 3 sons, उनमें से एक जो है उनका नाम है शेर। ले जी, तकरीबन कोई 45 मिनट्स के बाद यहाँ पे हम लोग रुके। राकापोशी से 8 किलोमीटर पीछे हैं हम, और उन्होंने अपने लिए कोई फ्रूट्स वगैरह लेने थे तो ये सामने एक फ्रूट्स की दुकान है, बड़ा फ्रेश किस्म का फ्रूट पे आते। ओहो, अब फील हुई है ना वो हुंजा की हवाएं। ओए क्या ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स हैं, नाशपाती, सेब, मोस्टली सेब है। इन्होंने हमें भी दिया है कि ये तैयार हो गया, टेस्ट करें। ये कौन सा, जूसी है या सख्त वाला है? ओए नाशपाती है ये, कैसे नहीं लग रही यार, अमरूद लग रहा है। इतना नरम, बहुत नरम है। अच्छा जी, तो हमें जो लिफ्ट मिली है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा अदनान आफाक नाम है। अदनान साहब ने हमें लिफ्ट दी और फिर हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है रुके, हमने फ्रूट्स भी ले लिए। इतनी गपशप हुई कि उन्होंने अपने ट्रेवल का बताया, मैंने अपना बताया कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली मैं लिफ्ट देता हूँ क्योंकि जब मैं आपकी उम्रों का या उससे भी कम था, अबाउट 20 ईयर्स, तो हमने भी बड़ी हाइकिंग की। ओके, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऑफकोर्स सफ़र बड़ा अच्छा गुजर जाता है। बिल्कुल, अभी रिसेंट टाइम्स में जिसको दिया तो वो मुझसे पूछने लगा आप फौजी हैं? तो मैं कहा नहीं। तो मैंने पूछा कि तुम फौजी हो? तो कहता है हाँ जी, मैं 13 NLI में था। ओके, तो मैं कहा 13 NLI तो मेरे दोस्त ने कमांड किया है। सो यू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा सफ़र गुजरता है। थैंक यू जी, आपने हमें लिफ्ट दी है और ऊपर से हमें फिर आपके बारे में पता लगा। अभी हमारा स्टॉप आया जी अलियाबाद में, तो इन्होंने अपने लिए कुछ लेना है। आई थिंक पहले भी रुक के सेब शेप लिए थे, अभी यहाँ से कोई करियाने की दुकान पे रुके हैं हम लोग। यहाँ से हुंजा आगे रह गया कोई 15-20 मिनट। अच्छा, ऑयल शॉयल शैम्पू मैम्पू क्या क्या सामान पड़ा हुआ है।
ओए जूसेस। मैं तो यार बाहर आ गया हूँ क्योंकि अंदर जूसेस और वो स्नीकर्स चॉकलेट पड़ी है, वो देख के मेरा दिल कर रहा है, लेकिन हुन इन्हां नूं बंदा कह भी नहीं सकता कि स्नीकर्स खिला दो, उन्होंने तेरी ख्वाहिशें ही नहीं टिक रही। क्या दिल कर रहा है तेरा खाने को? स्नीकर्स और जूस। ऐसा दोस्त मिलेगा, ये 20 रुपए तू ना इसकी बत्ती बना और जेब में रख ले। ऐसा दोस्त मिलेगा, चल आ मेरे बच्चा, मैं तुझे खिलाता हूं, चल। ये कहां से लेके फिर रहा है 20 रुपए? तुझे बताया नहीं था कल ब्राउजर में निकले हैं। यार इसकी कोई बबल शबल ले ले, सस्ती सी आती है तो जरूर, मुश्किल के टाइम। थैंक यू सो मच जी, आप यहाँ तक लाए, फिर इंशाल्लाह मैं आगे आया तो जरूर मुलाकात होगी। खैरियत से जाओ, इंशाल्लाह स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइफ टाइम है ये तो, बाकी है। चलें आप भी खैर खैरियत से पहुँचें। थैंक यू। हाँ भी जेडी, ये तो है अब कराकरम हाईवे, ये सीधी यहाँ से गई आगे सोस्त वगैरह, गुजाल और अताबाद लेक, लेकिन आज हम रुकते हैं हुंजा में। हुंजा तो ये सारा है, बट अभी करीमाबाद जाना है या मेन पे कोई जगह देखना? मेरा तो ये ख्याल है कि करीमाबाद में आपको नहीं देगा कोई भी, कोई आपा को लिफ्ट आएगा नहीं। तू डीमोटिवेट हो गया तू यार। नहीं नहीं मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, हो गया है, हो गया। अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहा था अब आगे क्या करना है। हाँ सो सबसे पहले तो रोटी, चल आ रोटी का जुगाड़ लगाएं, रोटी का जुगाड़। चल इधर ना आगे दो तीन रेस्टोरेंट हैं, मेरा ख्याल है आप इधर हैं मेन पे, दो तीन मेन पे चलते हैं। चला करीमाबाद यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1.8 किलोमीटर ऊपर है। नौजवान हमारा ढीला हो गया, क्या मसला है? क्यों तो जहाँ तक चलते 1.8 किलोमीटर है, चलते हैं जो लिफ्ट मिलगी मिलगी। जेडी ना बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, इसे चिढ़ाता हूँ। क्या हो गया यार, तेरे पिलक क्यों शार्ट हो रहे हैं? हैं हैं क्या हो गया यार? लिफ्ट ही लेनी है ना, ले लेते हैं लिफ्ट। हाँ तो बस ले लेते हैं। क्यों तो मैं गिर जाऊंगा। रुक के क्यों बैठ रहा है? मैं गिर जाऊंगा। किधर गिरेगा तू? अच्छा भाई किसी ने क्या खूब कहा है, द पुअर दे आर द रिचर दे आर, और उसका मैंने क्या बनाया, द रिचर दे आर द पुअर दे आर। इस ट्रिप में ये मैंने नोट किया है कि जो जितना गरीब है वो उतना अमीर है दिल का, और जो जितना अमीर है वो उतना ही गरीब है दिल का। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात बहुत सच है? अच्छा ब्रो अब आपका क्या चैलेंज है, ठीक है ना, आपा ने हर 10 मिनट बाद ना वो ये इस तरह के पिलर है ना ये 3 क्रॉस कर। तो वैसे ही बकवास तरीन हरकत कर रहा है, सिर्फ 1.8 किलोमीटर है, जितनी देर खड़ा होना हमने ऊपर पहुंच जाना। तो ए, तेरी इधर बैठ के ना बुढ़ी हरकतें अब जिंदा होनी शुरू हो रही हैं, और मैं तुझे बता रहा हूँ इंसान बन जा। मैं इंसान बन जाऊँ, क्या मसला है तुझे? नहीं भला खुद बताओ, 1.8 किलोमीटर ये ऊपर। अच्छा, करीमाबाद है जाके खाना शाना खाते हैं, सुकून करते हैं, बैठते हैं। अब तेरी हरकतें जो है ना, तेरी हरकतें हो रही खराब। मेरी बात डन हो गया, 1.8 ही चलेंगे, पैदल ही चलेंगे, बैग चेंज कर। क्या इस बैग को क्या पीछे गिरा दे इसको? क्या इसको? हाँ बैग चेंज करना तू, मेरा बैग ले, मैं तेरा। मैंने तुझे कहा इतना सामान रख जो भी है। क्यों ठीक है ना, क्यों क्यों लेके आया? 70 किलो की चीजें क्यों लेके आया? क्या लेके आया? तो तू अपनी मर्जी से लाया, मैंने तुझे कहा लेके आ। बुड्ढे वाले ट्रिप में मैं जाऊंगा, मुफ्त ट्रिप में मैं जाऊंगा, अब ले मजा। चल आ चले यार, आया फजूल बकवास में बैठा, थोड़ा सा चलते हैं। रुक जाओ करीमाबाद ले जाओ यार, करीमाबाद तक ले जाओ प्लीज, आ जाए। एक मिनट पहले देख लें क्या पीछे। जाओ यार भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बॉस, शुक्रिया शुक्रिया यार। आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, करीमाबाद में छोड़ देंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? करीमाबाद कहीं भी उतार दें आप हमें, ठीक हो ये भाई? जान सही भाई, यहाँ पे कोई ऐसा होटल है जो हमें फ्री में खाना खिला दे? फ्री में है कोई ऐसा? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग अभी करीमाबाद आके उतरे, यहाँ तो चिड़ी नहीं बोल रही है, मतलब सिर्फ लोकल्स फिर रहे हैं। ये देखो दुकानें ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई हैं, लोकल्स की गाड़ियाँ हैं, बस कुछ लोकल बाहर बैठे हुए हैं, फुल ऑफ सीजन वाला सीन है। यहाँ पे ये एक बड़ा सा होटल है, जेडी कह रहा है कि इनसे बात करते हैं। मैंने कहा यार बड़ा होटल मुश्किल ही है कि रहने की जगह दे, किसी छोटे से करनी चाहिए, बट जेडी मान नहीं रहा तो हम इनके पास जा रहे हैं अभी। चल भाई देखते हैं आज ऊंची दुकान क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? कैसे? अच्छा मैं रूम के दो मिल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा इशू है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कर दी आपने,
ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमें कल तक चाहिए। कल सुबह हमारा आलमोस्ट 8-9 बजे तक चेकआउट है। अच्छा, पहले आप हाँ या ना बताएं, फिर आपको अगली कहानी सारी सुनाएंगे। मैं खैर और हूँ तो आपको दिखा दूंगा, बाकी जो आपने क्वेश्चन किया ना उसमें थोड़ा सा इशू हो जाएगा। हाँ, उसमें इशू है। कोई भी जगह रुकने के लिए आपके पास नहीं है? उस टाइप की नहीं, आप हमें वो ज़रूरी नहीं है, आप हमें रूम दें। उस टाइप की जगह नहीं है मेरे पास। उस टाइप की जगह नहीं है। चलो निकलें। चलो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहा था तुझे? क्या कहा था?